कहाँ पे हो? मैकलॉडगंज। मैकडॉनल्डगंज। मैकडीगंज। आप सभी का स्वागत है। मेरी छोटी सी जर्नी जो धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में थी, उसके कट एंड कट, सीन एंड सीन, छोटे छोटे वीडियो एंड फोटोज आप इस वीडियो में देखेंगे। ये नदी का पीक पॉइंट है। ये रास्ता जाता है झरने और नदी की तरफ। ये एक टेम्पल है और इधर जो द एल्पाइन विला लिखा हुआ है वहीं से एक व्यू दिखाई देता है। वही रास्ते एक आश्रम में भी जाता है और आगे व्यू देखने के लिए रास्ता जाता है। और ये एक रास्ता जाता है सनसेट पॉइंट की तरफ। और ये हो गया टैक्सी स्टैंड। यहाँ बहुत सारे होटल कैफे वगैरह भी है, तो यहाँ से आपको व्हीकल भी मिल जाएंगे, खाने पीने और रहने को भी मिल जाएगा। और नदी में सबसे ज़्यादा जो पॉइंट देखने के हैं वो इसी जगह पे हैं, तो आप जब भी कभी आएँ तो इस जगह पे आ जाइए। आपको सब और आपको ट्रेन, फ्लाइट, किसी भी तरह के व्हीकल, इवन टू व्हीलर, बाइक, टैक्सी, कुछ भी जो चाहिए वो यहाँ से बुक हो जाएंगे। और अगर आपको कहीं भी यहाँ के आसपास में घूमने जाना है, ट्रैकिंग के लिए, पैराग्लाइडिंग के लिए और भी जो भी यहाँ पॉइंट है, तो सब तरह की बुकिंग, सब तरह का अरेंजमेंट यहाँ से हो सकता है। हम तो दिल्ली से आए थे तो हम लोग बाई बस आए थे, क्योंकि बहुत ही कन्वीनियंट जर्नी थी बाई बस भी। अगर आप बाई एयर आना चाहते हैं तो कांगड़ा जो एयरपोर्ट है वो नियरेस्ट टू धर्मशाला है, और रेलवे स्टेशन है वो पठानकोट पड़ेगा, तो आप कैसे भी आ सकते हैं। इस जगह से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको पूछना हो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और डिटेल देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पहले हाफ डे हमने थोड़ा रेस्ट किया क्योंकि बस में नींद अच्छे से नहीं आई थी, क्योंकि ऐसे बस में सोने की आदत नहीं होती है ना, तो इसलिए हम होटल में जाके दिन में सो हाफ डे हमने रेस्ट किया था। और हाफ डे के बाद हम इवनिंग टाइम में यहाँ घूमने निकले थे। जिस दिन हम यहाँ पहुँचे थे उस दिन नज़ारा कुछ ऐसा था जो हमने अपने रूम की खिड़की से देखा था, बहुत ही ब्यूटीफुल था, बिल्कुल क्लियर हो गया था। और ये बर्फ़ वाले पहाड़ भी दिखाई दे रहे थे जो दिखने में बहुत सुंदर थे। उसके बाद के टाइम में हम थोड़ा सा इधर उधर घूमने के लिए निकले, वहीं आसपास लोकल। अगले दिन तो मौसम बदल चुका था, पहाड़ों को बादलों ने कवर कर लिया था, बारिश का मौसम बना हुआ था और हैवी रेन आई थी, रात में भी आई थी, सुबह के टाइम में भी थोड़ी आई थी। और जो बादल थे वो खिड़की से रूम के अंदर तक भी आ रहे थे, जो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद बादल दूर चले गए, 12-1 बजे के आसपास आसमान क्लियर हो गया, मौसम साफ हो गया, फिर हम उसके बाद घूमने के लिए निकले थे। ऐसे जो हिल स्टेशन होते हैं वहाँ तो हर एक मोड़ पे, हर एक कॉर्नर से बहुत ही सुंदर सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं। ऊपर जाने के लिए हमने लोकल लेडीज़ का एक ग्रुप था उसको ज्वाइन कर लिया था, और इन सब ने हमें हर जगह सपोर्ट किया। लेकिन उनको और हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मंदिर कितनी दूर है, झरना कितनी दूर है। बस चलते गए और बहुत थक गए, तो हम तो मंदिर तक नहीं गए क्योंकि वो बहुत दूर था। हमने 2 पहाड़ क्रॉस कर लिए थे, उसके बाद हमने हिम्मत हारी और हम वापस आ गए। हमने ये एक और जो वापस हो रहे थे इस ग्रुप को ज्वाइन किया, इन्होंने हमें हर जगह सपोर्ट किया। कभी हमारा बैग लेके चल रहे थे, कभी रास्ते क्रॉस करवा रहे थे हाथ पकड़ के, कि कई जगह रास्ते मुश्किल थे, लैंडस्लाइड हुआ था। हम तो मुसाफिर ही थे और रास्ते में दिख गया मुसाफिर कहते, तो यही बैठ के हमने टेस्टी वाली मैगी खाई, टेस्टी वाली चाय पी, दोनों चीज़ बहुत टेस्टी थी। हमें भूख लगी हुई थी क्योंकि लंच भी नहीं किया था। इसी कैफ़े से रूम वगैरह भी बुक होते हैं, बोर्ड पे नंबर दिया हुआ है। नड्डी जगह पे हमारा थर्ड डे था। मैं ब्रेकफास्ट के लिए आई थी, लेकिन मैंने यहाँ ये देखा कि ट्रैकिंग पॉइंट्स है, यहाँ से गाइड भी हायर कर सकते हैं, और त्रियुंड नाम का ट्रैक है जो फुल डे का है, तो वहाँ नाइट स्टे भी कर सकते हैं। मैंने नहीं किया, मैंने वेज सैंडविच पैक कराए और रूम पे आके हमने ब्रेकफास्ट। अगर हम कहीं जा रहे हैं तो उस जगह के बारे में हमें जानकारी ज़रूर ले लेनी चाहिए, जिससे हमारा टाइम वेस्ट नहीं हो और हम सही जगह पर पहुँचे। तो हम एक नद्दी नाम के गांव में पहुंचे, वहां की लेडीज़ ने हमें बताया कि जिस रास्ते पर आप जा रहे थे ना उसमें रात में भालू आते हैं। गांव का अच्छा, हम तो दिन में गए थे लेकिन भालू का क्या पता दिन में भी घूमने निकल जाए। नड्डी नाम का गांव है और उधर का एक घर है जिसका हम छोटा सा वीडियो बना रहे हैं, ज़्यादा अंदर तक नहीं जा पाएंगे, बस बार बार से ले रहे हैं। कुछ काम चल रहा था तो इन लोगों ने वीडियो बनाने से मना कर दिया। I want try this. ये व्यू देखो कितना बढ़िया लग रहा है, एकदम मस्त। और बाप रे, एक बड़ा सा काला सा कुत्ता, ए बाबा रे, भेड़िया जैसा कुत्ता आ रहा है। अच्छा, ये अभी भी आ ही रहा है क्या? बाप रे, नहीं वो इधर ही आ रहा है। ये जगह बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा व्यू यहाँ से दिखाई दे रहा है और हवा भी चल रही है, लेकिन एक कुत्ते ने हमको डरा दिया और हम लोग। मेरे फोन का स्क्रीन टूट गया।
मेरे वीडियो से आपको पता चलेगा कि हम खरगोश से भी डरे, बकरी से भी डरे और कुत्ते से तो डरती हूँ, और अगर मंकी आ जाता तो उससे तो पक्का मैं बहुत डरती हूँ। कि ऐसी जंगल जैसी जगह पे तो सारे जानवर ही शेर होते हैं, इसलिए मुझे तो बहुत डर लगता है। ये तो एक वाटरफॉल था, लेकिन इस जगह का नाम स्नो रिवर है। इसका पानी बहुत ठंडा है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वाटर है, बहुत ही साफ ट्रांसपेरेंट पानी है। और इस स्नो रिवर का जो पानी है उसको देख के बिल्कुल अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ज़मीन से बहुत ज़्यादा हाइट पे है, क्योंकि ये पानी बहुत साफ है, एकदम ट्रांसपेरेंट कांच के जैसा क्रिस्टल क्लियर वाटर हमने यहाँ पर देखा, जिसे देख के बहुत अच्छा लगा। पानी के अंदर छोटी छोटी फिश थी, वो सब क्लियरली दिखाई दे रही थी। अब हम पहुंच गए धर्मशाला के मैक्समस मॉल में, क्योंकि हमारी जो बस आने वाली थी दिल्ली के लिए वो उसका स्टॉपेज यहीं पर था, तो हमने इसी मॉल में 3-4 घंटे स्पेंड किए, आराम से खाना वाना खाया पिया, थोड़ा रेस्ट किया, फ़ोन वगैरह चार्ज किए। अब बात करते हैं यहाँ के खाने की, तो यहाँ का जो ट्रेडिशनल फूड है वो भी यहाँ हर जगह आपको मिल जाएगा। वेज नॉन वेज में सारी वैरायटी मिल जाती है, खाने पीने के लेके कोई भी टेंशन नहीं है। लेकिन यहाँ मैगी और मोमोज वो आपको हर व्यू पॉइंट पे मिल जाएंगे, वहाँ बहुत सारे कैफ़े हैं जहाँ आपको ये चीज़ें ज़रूर मिल जाएगी, और एक तरह से यहाँ का लोकल फूड भी ये कह सकते हैं। तो हमने भी बस ऐसी ऐसी चीज़ें ही खाई जो यहाँ बहुत फेमस थी, मैगी, नूडल्स, मोमोज, फ्राइड राइस वगैरह, क्योंकि रोटी दाल चावल तो घर में रोज़ ही खाते हैं। और खाना भी यहाँ बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, सब कुछ रीज़नेबल है। और ये टाइम था चेकआउट का, शाम को हमारी धर्मशाला से बस थी, तो पहले हमें धर्मशाला में भी घूमना था, इसलिए हम रिंकू अभी यहाँ पर केयर टेकर है, और इनकी रूम सर्विस बहुत अच्छी थी। हम इसी जगह रुके थे जिसका नाम है माउंटेन फेस व्यू, होम स्टे है, बहुत ही सेफ, साफ और शांत जगह थी। और होम स्टे में रुकने का मेरा बेस्ट एंड फर्स्ट एक्सपीरियंस था, जो बहुत अच्छा था। और फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ का एक बहुत ही खूबसूरत सा घर, यहाँ के घर ना छोटे छोटे होते हैं, बहुत कलरफुल होते हैं, तो मैं चाह रही थी कि एक घर को मैं अंदर से देख के आऊँ। मेरा थोड़ा सा रिस्की हुआ यहाँ जाना, क्योंकि इनके पास एक पेट था, डॉग था, और वो काटता था, ये लोग बोल रहे थे क्लियरली, कहते मैंने पूछा कि आपके पास डॉग है, बोले हाँ है, मैंने कहा कि काटता तो नहीं है, बोली काटता है, मैंने कहा अरे फिर तो मैं चली जाऊँ क्या, तो बोले नहीं वो अभी यहाँ घर में नहीं है, बाहर है। तो मैंने वो दरवाज़ा बंद कर दिया जहाँ से वो अंदर आता शायद, तो वो बोली कि वो तो आएगा तो पीछे से भी आ जाएगा। मुझे डर भी लग रहा था, लेकिन मुझे वीडियो बनाना था। तो आप देख सकते हैं घर कितना सुंदर है, यहाँ की किचन आपने देखी और यहाँ की खेती देखी। खेती तो यहाँ वैसे सीढ़ीदार होती है क्योंकि हिल एरिया है, इन्होंने तो थोड़ी सी मक्का बो रखी, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं है। एक ये बौद्ध टेम्पल था, मोनेस्ट्री थी, और टी गार्डन्स थे, एंड क्रिकेट स्टेडियम और डल झील, बस हमने इतना ही देखा था। नड्डी पॉइंट से धर्मशाला जाने के लिए हमने एक टैक्सी हायर कर ली थी, और हमें कुछ जो जगह धर्मशाला में घूमने लायक थी वहाँ जाना था, तो उसमें टी गार्डन्स में हम गए, डल लेक देखी, स्टेडियम देखा, और बौद्ध टेम्पल देखा, मोनेस्ट्री देखी। वहाँ मार्केट भी काफ़ी अच्छा है, वैसे हमें जाना नहीं था, हमने ये चार जगह ही देखी जाते जाते, क्योंकि हमारे पास पूरे दिन का टाइम नहीं था। वैसे तो धर्मशाला में घूमने के और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, अगर आपके पास टाइम है तो ज़रूर घूम के आइए। कुछ रिनोवेशन का काम चल रहा था, कोई खिलाड़ी खेलने नहीं आया था, लेकिन दर्शक बहुत ज़्यादा थे। बस तैयार खड़ी थी, बोर्डिंग टाइम 6:45 था। तो बस में मिली सुविधाओं के बारे में बताऊं तो बिल्कुल फ्लाइट वाली फीलिंग आ रही थी। एक एक ब्लैंकेट, एक एक वाटर बॉटल और एक गार्बेज बैग दिया हुआ था सबको, और सीट जो थी। और आज के टाइम में सबकी लाइफलाइन होता है मोबाइल फ़ोन, उसको चार्ज करने के लिए चार्जिंग पॉइंट दिए हुए हैं हर 2 सीट के बीच में एक, और सीट भी काफ़ी कंफर्टेबल थी, अगर आपको लेटना है तो बिल्कुल पीछे तक एक बेड की तरह का फ्लैट हो जाती है।
मेरे साथ हिमाचल की ब्यूटी देखने के लिए मेरे आने वाले सभी वीडियोस देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए। सदाबहार संजीवनी नाम का ये एक पहाड़ी प्लांट है, देखते हैं इसका मन हमारे घर में लगेगा कि नहीं। ये प्लांट दिखने में बहुत सुंदर लगता है, मैं पहले भी एक बार लेके आई थी लेकिन तब ड्राई हो गया था। अब देख मैकडॉनल्ड गंज मैकडॉनल्ड मैकडी गंज।